हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम गणित की दैनिक पाठ योजना डेली लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो ये आयत के बारे में हमारा टॉपिक जो है आयत है प्रकरण, इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, गणित, कालांश, समय अवधि आदि ये पढ़ने हैं। उसके बाद प्रकरण लिखना है और शिक्षण के उद्देश्य रखना है। 6 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, ज्ञान उपयोग, विचारात्मक, अभिवृत्तात्मक। तो इनमें 6 के उद्देश्य का कथन लिखना है, ठीक है? अपेक्षित व्यवहार क्या व्यवहार हुआ और क्या नहीं हुआ, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में ये देखिए, सहायक सामग्री में लिखना है आपको जो चीज़ें का सकता है। उसके अलावा पूर्वगान, छात्र आकृति के बारे में पूर्वगान रखते हैं, जैसे घर पर कमरे की आकृति देखते हैं तो उसमें दीवार की आकृति जो है आयताकार होती है, तो उसकी सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद बाल पढ़ने लिख कहा जाता है विद्यालय में, विद्यालय में शिक्षक किसके द्वारा लिखता है, चौक द्वार किस पर लिखता है, श्याम पट और श्याम पट क्या कैसे थे आयताकार, आयत के बारे में क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन बनाना है, तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब कुछ आंसर से अगला प्रश्न बनना चाहिए। तो इसमें जो 3 शिक्षण मॉडल हैं, आयत की परिभाषा गुण, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। ये देखिए, आयत के परिमाप परिभाषा के बारे में पहला शिक्षण बिंदु है, ये रहा। इसमें बालक विद्यालय क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कैसे क्या सकते हैं, कॉपी किताब वापी और किताब पढ़ने का करते कैसे होते हैं, आयताकार। आयत की परिभाषा गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं, यह दोस्तों। अगला देखिए, आयत वह चतुर्भुज जिसके अंदर मूल्यांकन होती है, ये छात्र अध्यापक का ध्यान हो गया। उसके बाद बोध प्रश्न जो इसमें से पढ़ा है उसी में से बोध प्रश्न किए जाते हैं, यह दोस्तों। ये इधर श्याम पट सारांश दिया गया है और आयत का परिमाप जो है सीधी रेखा वापस विकासात्मक प्रश्न। हर एक शिक्षण मंत्रों में 4 विकासात्मक और 3 बोधात्मक प्रश्न बनते हैं। तो जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं ये इनमें तारतम्यता होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसका अगला पैमाना आयताकार जो है ये होता है। उसके बाद आयत के बारे में जो लिख दिया जितना छात्र अध्यापक कथन है जो आपको बोलना है और श्याम पट वाले गण है उसके बारे में, ये ब्लैक ब्लैक प्रकार के हैं, ये बोर्ड है श्याम पट इसमें लिखा जाता है। उसके आगे देखो फ्रेंड्स, आयत की लंबाई को कितने प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ये बताता हूँ प्रश्न हो गया वापस, ये विकासात्मक आ गए। अगला शिक्षण बिंदु आयत का क्षेत्रफल, इसके बारे में तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये लेकर आया हूँ। आयत के 4 कोणों के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रश्न हर एक उसमें पूछे जाते हैं, कम से कम 6 या 7 तो होने चाहिए। और गृह कार्य प्रश्न, यहाँ पर थोड़ी जगह रहनी चाहिए ताकि प्रेक्षक टिप्पणी कर सके और सिग्नेचर कर सके। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।